starts with the name of allah who is the most beneficent and merciful uh, this is your english language class and i'm your teacher miss Nilofer mughis so um, the topic i have chosen is punctuation mark. what are these punctuation marks and why do we need to learn about them i have seen your written work which i have which you have sent me uh, almost all you have done very well but uh, i have seen very common mistakes so i have decided to explain you punctuation first so let's start punctuation first of all uh, i will um, make you recognize these all punctuation marks so that you should know these symbol these marks with their names so first one is full stop Stop. We know this mark as full stop. Comma. Comma. Question mark. Question mark. Quotation mark. Quotation mark. Exclamation mark. Exclamation mark. Okay, so uh, I will start explaining from full stop. So, what is a full stop? We use full stop at the end of a sentence. Every time you see this full stop, you must stop. मीन्स हम फुल स्टॉप हमेशा सेंटेंसेस के एंड में यूज़ करते हैं मीन्स जब भी हमारा सेंटेंस एक कम्प्लीट हो जाता है जब भी हमारी बात कम्प्लीट हो जाती है वी ऑलवेज यूज़ अ फुल स्टॉप फुल स्टॉप का मतलब होता है कि यहाँ पर आपकी बात कम्प्लीट है और आपका सेंटेंस भी कम्प्लीट है मीन्स एंड एवरी टाइम वन यू सी दिस फुल स्टॉप वेयर एवर इन अ स्टोरी इन इन एन एस ए इन एन एनी रुट इन पीस ऑफ वर्क कहीं पर भी आप इस फुल uh, स्टॉप को देखें इट मींस यू हैव टू स्टॉप एयर आपको यहाँ पर रुक जाना होगा ज़रूर रुकना होगा बल्कि आपको वहाँ पर एनी हाउ रुकना पड़ेगा मीन्स अगर आप रीडिंग कर रहे हैं तो यू हैव टू स्टॉप देयर जहाँ जहाँ आप फुल स्टॉप देखें यू मस्ट स्टॉप आपको वहाँ ज़रूर रुकना पड़ेगा फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ माई फादर ये मेरे वालद हैं नाउ हेयर दिस इज़ अ स्टेटमेंट ये एक स्टेटमेंट है कि जो वो कह रहा है कि ये मेरे फादर हैं दिस इज़ अ स्टेटमेंट और आपको इसकी मीनिंग यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी सो so, जब हमारे पास कोई एक ऐसा सेंटेंस हो जिससे हमें मीनिंग कम्प्लीट समझ में आती हो वी ऑलवेज़ यूज़ अ फुलटॉप In the end of a sentence she likes roses wo वो pasand पसंद करती है यानी gulab गुलाब के फूल पसंद करती है या उसे गुलाब के फूल पसंद है. Once again, it is a complete sentence. Means आपको इस सेंटेंस की मीनिंग समझ में आ रही है और सेंटेंस हमेशा वही होता है कि जिससे हमें उसकी कंप्लीट मीनिंग समझ में आ जाए सो इन अ सेंटेंस जो कि एक स्टेटमेंट होता है सिंपल सा सेंटेंस होता है उस स्टेटमेंट के आखिर में हम हमेशा एक फुल स्टॉप यूज़ करते हैं राइट सारा इज़ माय फ्रेंड सारा मेरी फ्रेंड है वंस अगेन दिस इज स्टेटमेंट सेंटेंस एक सिंपल सा सेंटेंस है स्टेटमेंट सेंटेंस है और इसीलिए और आपको बात भी सब कंप्लीट समझ में आ रही है तो हम क्या करेंगे वी विल ऐड और वी विल Um, हम इसके एंड में एक फुल स्टॉप ज़रूर लगाएंगे कॉमा। वी यूज़ कॉमा टू स्लो अ सेंटेंस डाउन और यूज़ बिटवीन अ लिस्ट ऑफ आइटम्स मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई आइटम्स की लिस्ट बना रही हूँ ठीक है सेम आइटम्स हों और मैं उनकी लिस्ट uh, बना रही हूँ तो हम क्या करते हैं कि जब हम उन आइटम्स की लिस्ट बनाते हैं तो हम हर चीज़ के बीच में हम वर्ड एंड यूज़ नहीं करते हमें क्या करना होता है कि हम एंड सबसे आखिर में यूज़ करते हैं और उससे पहले हम जो पंक्ट जो पंक्टेशन मार्क यूज़ करते हैं वो होता है कॉमा मींस हम हर आइटम के बाद एक कॉमा इंसर्ट करते चले जाएंगे ठीक है अगर हम आइटम्स की लिस्ट में यूज़ करते हैं या फिर जब हमें किसी सेंटेंस में पॉज देना हो उसमें उसको रोकना हो जहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए हमें स्टॉप करना हो लेकिन स्टॉप नहीं करना हो थोड़ी सी देर के लिए हमें थोड़ा सा पॉज देना हो तो हम कॉमा यूज़ करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आई लाइक टू हैव एन एग अ ग्लास ऑफ मिल्क कॉमा a slice of bread or juice in my breakfast means मैं सुबह नाश्ते में एक अंडा एक दूध का गिलास एक ब्रेड का स्लाइस या फिर जूस लेता हूँ सुबह नाश्ते में मीन्स अब आपने देखा कि यहाँ पर आपके ब्रेकफास्ट आइटम्स की लिस्ट है ठीक है तो अब आप अगर यहाँ पे ये यह कहते आई लाइक टू हैव एन एग एंड a glass of milk and a slice of bread or juice in my breakfast तो ये बहुत awkward लगता हम हर जगह पर and use नहीं कर सकते so हम हर जब भी हम item list use करते हैं तो उसमें items के in between comma use करते हैं question mark वी यूज़ क्वेश्चन मार्क इन द एंड ऑफ अ सेंटेंस दैट आस्क एनी क्वेश्चन मीन्स हम क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाते हैं हम एक ऐसे सेंटेंस में के सबसे आखिर में लगाते हैं जिसमें कोई हमसे सवाल पूछा जाए राइट फॉर एग्जाम्पल इज दिस योर कॉपी क्वेश्चन मार्क क्या ये तुम्हारी कॉपी है नॉट दिस सेंटेंस इज आस्किंग समथिंग सो हमने इसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगाया हु टोल्ड यू दिस स्टोरी तुम्हें ये कहानी किसने सुनाई वंस अगेन दिस सेंटेंस इज आस्किंग यू समथिंग सो वी हैव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क इन दी एंड ऑफ द सेंटेंस कोटेशन मार्क्स नो वट आर दीज कोटेशन मार्क्स वी यूज़ कोटेशन मार्क्स इन दार्टिंग एंड इन द एंड ऑफ अ सेंटेंस अराउंड द वर्ड्स दैट आर बींग स्पोकन मीन्स हम ये कोटेशन मार्क्स जो होते हैं वो सेंटेंस के शुरू में यानी कि स्टार्टिंग में और एंड में लगाते हैं उन वर्ड्स के गिर्द <coughs> जो वर्ड्स किसी ने कहे हुए होते हैं फॉर एग्जाम्पल आई एम बोर्ड क्रो ओके इस सेंटेंस में आप ये देखिएगा कि स्केयर क्रो ने कौन से वर्ड्स बोले हैं स्केयर क्रो ने कहा आई एम बोर्ड क्रो के कहे हुए जो वर्ड्स हैं वो क्या है आई एम बोर्ड इसीलिए हम आई एम से लेकर और बोर्ड तक अपने कोटेशन मार्क्स यूज करेंगे ओके द इम्पॉर्टेंस ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स दीज पंक्चुएशन मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज दे चेंज द मीनिंग ऑफ होल सेंटेंस सो वी शुड नो द करेक्ट यूज ऑफ दीज पंक्चुएशन मार्क्स Also, we should know in which lines these marks will be used.